मैरिज से समझिए, मैरिज से पहले जो कुछ बातों का पॉइंट का डिस्कशन करना होता है वो मैं आपको और इस नेक्स्ट वीडियो में दे रही हूँ। 4-5 वीडियो इस सीरीज़ में हैं जो कि आपके यंग यूथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज गीता सानी मल्टीपर्पज़ एकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, लेट्स गो ऑन विद द 4th वीडियो इन द सीरीज। हाउ मच टाइम अ कपल शुड स्पेंड टुगेदर In a time, in such a haphazard way we live in society, हमें ये बड़ा मुश्किल लगता है कि हम कैसे टाइम एक दूसरे के लिए निकाल सकें, जबकि माता पिता के लिए भी बच्चे टाइम नहीं निकाल सकते। तो लेकिन आपको एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, आई एडवाइज कि आप लोगों को कुछ समय निश्चित कर लेना चाहिए जो कि वी ओनली टाइम होगा, कपल ओनली टाइम होगा, सो दैट इज़ अ क्वालिटी टाइम। वहाँ पर कुछ बातें डिस्कस हो सकें उस टाइम में, बातों का डिस्कशन के बाद कोई कुछ अगर क्वेश्चंस हो, कुछ सुलझाना हो तो समस्या सुलझाई जा सके। संडे टू संडे अगर हम एक टाइम नहीं देंगे, अगर कपल टाइम एक दूसरे को नहीं देते हैं तो होगा क्या कि सारी जो इश्यूज हैं वो पाइल अप होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, और इशू जब सॉल्व नहीं होते तो फिर वो सॉल्व नहीं होने की वजह से बस पेंडिंग रह जाते हैं, और ऐसे ही एक के बाद एक वीक निकलते जाते, महीने निकलते जाते हैं, सब बिज़ी हैं। लेकिन द कपल शुड डिसाइड दैट संडे टू आवर्स वुड बी आवर्स, दैट एवरी डे 2 hours, लंच डिनर टाइम वुड बी आवर्स, लाइक दिस, है ना। ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए, घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए और आगे के डिसीजन पर्सपेक्टिव्स को सोचने के लिए। बिहेवियर अलाउड विद अदर्स, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें किस टाइप का बिहेवियर कपल को एक दूसरे से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो ऐसा बिहेवियर दूसरों के साथ कर सकते हैं। अब इसके तो बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं। जैसे अगर शादी हो रही है और ब्राइड के फादर मदर से ग्रूम के फादर मदर को मांगते हैं कि इतने की ये कार, ये बाइक, ये फ्रिज, ये इतना गहना, इतना गोल्ड, इतना मनी, सो आपको उस समय आपको आपका बिहेवियर जो है वो क्या होना चाहिए कि आपको एक्सप्रेशन जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की चाहिए उस समय वो क्या हो सकता है, यानी कि जो एक्सेप्टेबल हो। नेचुरली ये आपको बताकर तो नहीं करा जाएगा कि एन शादी के टाइम ये मांगा जाएगा, बट मैंने बहुत जगह देखा है कि शादी फिक्स हो जाती है, खर्चे हो जाते हैं, हज़ारों मेहमान आ जाते हैं, करोड़ों का खर्चा हो जाता है और उस समय एन टाइम पर कोई डिमांड रखी जाती है। अब इसके बाद रिश्तेदारों का बिहेवियर, रिश्तेदारों का एक्सपेक्ट करना कि हम इस तरीके से रुकें या इस तरीके से हमारी आवभगत की जाए, तो कितना दूरी बना के रखना, कितना साम्यता बना के रखना, कैसा उनका बिहेवियर है। जैसे मैंने तो शादी की बात पर अगर वापस जाऊं तो मैंने ये भी मांग करते हुए देखा है कि लोगों ने अपने डेड रिश्तेदारों की भी के लिए भी अंगूठियां और कान के जो हैं टॉप्स मांगे हैं गोल्ड के। तो ये जो बिहेवियर है, चाहे वो पैसे के बारे में हो या एक व्यवहार के बारे में हो, खाने पीने के बारे में हो या एक मैनरिज्म के बारे में हो, बहुत मायने रखता है। तो उसमें आपको क्या बिहेव किस तरह से करना है, कितना आप अपनी फ्रीडम रखकर आप बोल सकते हैं। आप साथ ही ये देखिए कि जैसे आपके घर में कोई एक मेहमान है तो मेहमान के साथ किस तरीके से आपके रिलेशन हैं, कैसे वो निभाए जाने चाहिए, कितने दिन तक कैसे निभाए जा सकते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, रिश्तेदारों से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, या
कई चीज़ें अगर पहले ही सुलझा ली जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपके माता पिता लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता हैं, और लड़की के माता पिता लड़के के माता पिता हैं, अब क्योंकि अब आप एक परिवार हो गए हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना कि इसकी ज़्यादा इज्जत हो उसकी कम हो, मैं जाऊं तो इस तरह बैठूं और मेरी बात ऐसे सुने, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यही मैं एक काउंसलिंग में आपको कहूँगी, लेकिन ये बातें पहले हो जानी चाहिए कि मैंने जैसे कई प्रोटोकॉल कई मीटिंग्स में ये सुना है, जब वुड बी ब्राइड ग्रूम मिलते हैं तो ग्रूम को ऐसा मुझे रिपोर्टिंग मिली कि ग्रूम ऐसा कहते हुए समझ जाते, ये तो प्रोटोकॉल है, ये लेना देना तो प्रोटोकॉल है, कोई मेहमान आए उनको कपड़े देना प्रोटोकॉल है, सोना गहना देना प्रोटोकॉल है, तो आपका जो है अगर हर क्या क्या प्रोटोकॉल है ये सारा आप पता कर लें, ताकि आप उन रिश्तों में सहज रह पाएँ। कितने सहज हैं आप इस प्रकार के बिहेवियर में और कितने नहीं, क्या उनकी मान्यताएं हैं, क्या सभ्यताएं हैं, हर परिवार के अलग मान्यता और सभ्यताएं होती हैं, अगर थोड़ी डिस्कस कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जेंडर रोल्स। देखिए कई घरों में कई सोसाइटीज़ में जो मेल और फीमेल का एक रोल फिक्स कर दिया जाता है कि लेडी का काम है खाना बनाना, परोसना, बच्चों को पालना और फैमिली को सपोर्ट करना, और जेंट्स का काम है ऑफिस जाना, पैसे कमाना और जो भी बना हो उसमें उसको खा लेना और उसमें सपोर्ट कुछ नहीं करना। इस तरीके के फैमिली कहीं अब आज भी पायोनियर एक अपना दिमाग रखती हैं, तो आपको ये आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए कि आप कितनी पॉजिटिव रोल को निभा पाएंगे उस फैमिली में, आप उनका क्या रोल रहेगा, आपका क्या रोल रहेगा, एक डिफाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि डिफिनीशन होने से एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि उनका माइंडसेट भी कैसा है, माइंडसेट जानने में भी बहुत मदद मिलेगी, और आप इस बात को रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं कि जैसा डिसाइड किया गया है रोल वैसा ही हमें उसको शादी के बाद फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने लोगों के साथ, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, दोनों की फैमिली के साथ बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है। बाउंड्रीज़ मतलब हर की डिफाइन बाउंड्री अलग होती है। मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो, जो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है मेरे लिए नहीं हो। किसी फैमिली में ड्रिंक की जाती है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन किसी की फैमिली में ड्रिंक नहीं की जाती उनके लिए एकदम नॉन एक्सेप्टेबल है। आर्मी बैकग्राउंड में मोस्टली जो है मैन वुमेन जूनियर सीनियर्स के साथ डांस करते हैं, फैमिली गेट टुगेदर मतलब गेट टुगेदर भी होता है, लेकिन किसी किसी फैमिली में ये परमिट नहीं किया जाता कि किसी और के साथ डांस करना, या मेल फीमेल्स का पिकनिक पर वेकेशंस पर जाना, या अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ही जाए अगर वो मेल हो उसका उसके साथ मेल जोल बढ़ाना जो भी शादी से पहले था, ऐसा ही जेंट्स की फैमिली में भी होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है दोनों की तरफ से किया जाए कि हमें अपनी बाउंड्री कितनी सेट करनी है, हाँ क्या हम उसको लगा पाएंगे, हम आगे क्या हम जा पाएंगे, क्या हम ये दोस्ती बरकरार रख पाएंगे, क्या हम इतना खुला मन रख पाएंगे, और कितना कितना हमें कितना करना है, कितना उसका एक बाउंड्री क्या है, और हमें अपनी बाउंड्रीज हम भी अपनी सेट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें मान्य नहीं हो तो कितना मान्य होगा, कितनी दोस्ती मान्य होगी, कितना मेल जोल मान्य होगा, कितना पार्टीज़ वेकेशंस मान्य होंगी कॉमन फ्रेंड्स में, तो ये आपके जीवन को बहुत स्मूथ बनाएगा, क्योंकि ये इश्यूज जब
इरप्ट होते हैं तो बहुत ही दिक्कत देते हैं। और हमें कोशिश ये करनी है कि फिर फैमिली लाइफ में जितना भी कम फ्रिक्शन हो पाए।